दीपांजलि मोइत्रा। लोकसभा चुनाव का सुरूर सभी के सिर चढ़कर बोल रहा है, फिर चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो, फिल्मी दुनिया हो या फिर जनता, सभी के लिए ये चुनाव महापर्व कम परीक्षा ज्यादा है। किसी की साख दांव पर लगी है, किसी का सपना दांव पर लगा है, तो कोई भारत के सुनहरे भविष्य की आशा में इस चुनाव पर ताक लगाए बैठा है। फिर 2014 में जब से नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता को संभाला है, तब से जनता को सुरक्षित महसूस कराने के लिए हर भरसक प्रयास किए हैं। कोशिश की है कि हर एक भारतवासी अपने देश, अपने मुल्क में डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि शेर की तरह अपनी जिंदगी जिए। तभी तो इस चुनावी माहौल में भी देश के भीतर सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे चरम पर हैं। हर कोई सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मुद्दों के आसपास देश में काबिज होने वाली अगली सत्ता का आंकलन कर रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी का 5 साल का कार्यकाल पास होता दिखाई दे रहा है। दरअसल गैलप वर्ल्ड पोल की हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के सत्ता में आने के बाद से अब 10 में से 7 भारतीय खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। 2014 में जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेकर अभी तक देश में सुरक्षित महसूस करने वालों की संख्या में 17% का इजाफा हुआ है। गैलप ने यह सर्वे साल 2018 के अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच में किया था, जिसमें लोगों ने व्यक्तिगत सुरक्षा चिंताओं के बावजूद देश की सुरक्षा पर ज्यादा जोर दिया था। सर्वे में बताया गया कि ग्रामीण और शहरी भारतीयों ने सुरक्षा को लेकर एक जैसी राय रखी, लेकिन प्रादेशिक तौर पर बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला। यानी कि अगर रात में घर से निकलने वालों की बात करें तो पूर्वी भारत में 78% लोग और दक्षिण भारत के 75% लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, जबकि उत्तर भारत के 60% लोग रात में घर से अकेले निकलने पर सुरक्षित महसूस करते हैं। ये आंकड़े कुछ ऐसे हैं जो मोदी सरकार के मजबूत और देशवासियों को सुरक्षा देने वाले कार्यकाल को दर्शाते हैं। गैलप वर्ल्ड पोल दुनिया भर के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सर्वे करती है, उसमें से भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा भी अहम है, जिस पर मोदी राज में लोगों ने सुरक्षित महसूस करना शुरू कर दिया है, जो कि यूपीए के कार्यकाल में नहीं था। ऐसे में ये एक और बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार के हाथ लगी है। जब मोदी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बड़े मिशन को अंजाम दिया और लोगों में देश को सुरक्षित रखने जैसा विश्वास पैदा किया, अब देखना दिलचस्प है कि गैलप वर्ल्ड की इस रिपोर्ट का असर लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम में भी नजर आता है कि नहीं, क्योंकि नतीजे आने हैं 23 मई को और इसी दिन तय होगा कि भारत के आगे का भविष्य किसके हाथों में जाने वाला है, और जिन हाथों में देश आएगा उन हाथों में भी भारतीय खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे कि नहीं। भारत माता की, भारत माता जी, यहां आए सभी लोगन का राम राम। चार चरणों के मतदान के बाद उत्तर प्रदेश के लोगों ने तय कर दिया है कि नतीजे क्या आने वाले हैं। अब पांचवें चरण से पहले ये महामिलावटी लोग अगर आपका ये उत्साह देख लेंगे तो चुनाव का मैदान ही छोड़ने की सोचने लगेंगे। कोई सोच सकता है इतनी भयंकर गर्मी में ये छत पर लोग इतने ताप में खड़े हो? चुनाव मैंने बहुत देखे हैं भाई, चुनाव की गर्मी भी देखी है, लेकिन मई महीने की इस भयंकर गर्मी में छत पर खड़े रह करके भी आशीर्वाद देना शायद ऐसा सौभाग्य किसी को नहीं मिला होगा। यहां भी जो दीवार पे खड़े हैं, मुझे डर लगता है कोई गिर न जाए। उधर भी वही हाल है। भाइयों बहनों,
उत्तर प्रदेश का जितना मैं धन्यवाद करूं उतना कम है, सर झुका के नमन करता हूं दोस्तों। ये प्यार, ये आशीर्वाद मुझे गदगद कर देते हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश के लोगों ने जिस तरह ठान लिया है कि विकास के आगे उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है, इन महामिलावटी लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि अब बचा हुआ चुनाव बचाने के लिए कौन सा खेल खेला जाए। मोदी को गाली देने के लिए इन्होंने जो जो झूठ गढ़े थे वो तो सारे हवा हो चुके हैं, और इसलिए अब गाए बगाए ये अपनी सच्चाई खुद स्वीकारने लगे हैं। साथियों, अब ये साफ हो चुका है कि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के बहाने बहन मायावती का तो फायदा उठा लिया, चालाकी की, उनको अंधेरे में रखा, बड़ी बड़ी मान सम्मान की बातें की, आपको प्रधानमंत्री बना देंगे ये भी कह दिया, लेकिन पीछे से अब बहन जी को समझ आ गया है कि ये सपा ने और कांग्रेस ने मिलकर के बहुत बड़ा खेल खेला है। अब आप देखिए, बहन जी खुलेआम कांग्रेस की आलोचना करती है, नामदार की आलोचना करती है, उनकी नीतियों की आलोचना करती है, कांग्रेस को कोसती है, लेकिन दूसरी तरफ बहन जी के साथ गठबंधन करने वाले लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह कांग्रेस के मुद्दे पर चुप है, कांग्रेस पर नरमी दिखा रही है। बची कांग्रेस तो उसके नेता खुशी खुशी समाजवादी पार्टी की रैलियों में मंच साझा कर रहे हैं। बहन जी को ऐसा धोखा इन लोगों ने दिया है कि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा। भाइयों और बहनों, इन महामिलावटी लोगों की यही सच्चाई है। साथियों, ये वंशवादी ऐसे हैं जिनका झूठ कभी न कभी सामने आ ही जाता है। इसके लिए सबूत खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। सोचिए, जो पार्टी पहले चरण के मतदान से पहले खुद को प्रधानमंत्री पद के दावेदार बता रही थी, वो ये मानने लगी है कि हम तो यूपी में सिर्फ वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वोट कटाऊ पार्टी बन गए हैं। कांग्रेस का कितना पतन हो गया है ये इसका जीता जागता सबूत है। भाइयों और बहनों, वोट काटना, समाज तोड़ना, देश बांटना, कैबिनेट का अध्यादेश फाड़ना,
यही कांग्रेस की पहचान बन गया है। साथियों, चौथे दौर के मतदान के बाद और जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो गौर करने लायक है। कल तक कांग्रेस के नामदार कहते थे कि वो मोदी, मोदी के प्रभाव को और मोदी के ऑरा को, इस ऑरा से डरते हैं। अब वो खुलकर कहने लगे हैं कि वो मोदी से तब तक नहीं जीत सकते जब तक मोदी की मेहनत, मोदी की ईमानदारी और मोदी की भारत भक्ति पर दाग नहीं लगा सकते। उत्तर प्रदेश के साथियों, अब आपको समझ आ रहा होगा कि पिछले 3 साल